हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट इस बार ट्वेल्थ में हैं और जिनको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देना है, वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक कितने नंबर के आएंगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चूँकि आपको पता है कि हिंदी में 40 से 50 नंबर आपके एकदम क्लियर होते हैं, वो ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में भी मैं कुछ आइडिया आपको दूंगा, ठीक है। और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 95+100 में से 95+ बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट करते भी हैं, ठीक है। तो चलिए पूरा सिलेबस हम जान लेते हैं कि हमारे जो ट्वेल्थ हिंदी का पूरा सिलेबस है वो क्या होगा और हमें 2024 में पूरे साल क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, क्लास 12 का ये है, ठीक है। आपका पूर्णांक 100 मार्क का होगा, आपका पेपर दो खंड में डिवाइड रहेगा, खंड का देखिए यहां पर खंड का और यहां पर खंड खा, ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि हमें आखिर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, गद्यांश पद्यांश, गद्य पद्य संस्कृत, ठीक है, सब कुछ हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया जाएगा हिंदी गद्य का विकास, यानी कि हिंदी साहित्य के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, वो किससे रिलेटेड होंगे। देखिए शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी पद्य की कुछ प्रमुख विधाएं, यानी कि ये हिंदी पद्य के जो इतिहास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हमें स्टार्टिंग में दिए जाएंगे, ठीक है, हिंदी पद का जो इतिहास है उससे रिलेटेड। उसके बाद दूसरा हमारा जो है वो काव्य साहित्य का इतिहास रहेगा, ठीक है, काव्य साहित्य का विकास, यानी कि हिंदी काव्य जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, ठीक है, इसके लिए भी आपको 5 नंबर, यानी कि स्टार्टिंग के जो 10 नंबर होंगे वो सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्नों के होंगे, ठीक है, जिसमें हिंदी गद्य और हिंदी पद्य साहित्य दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा देखिए क्या है, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसके लिए आपको टोटल 10 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। एक गद्यांश दे दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेगा, 5ों का आंसर देंगे, 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। चौथा भी यही रहेगा, यानी कि पद्यांश इसमें रहेगा, जो आपका पद्य है, ठीक है, उसमें जो चैप्टर है जैसे पवन दूतिका, ठीक है, और भी चैप्टर हैं गीत, तो इससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक पद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। पांचवा हमारा है, देखिए पांचवे में आपका जीवन परिचय रहेगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय, ठीक है, शब्द सीमा 80 रहेगा, यानी कि लगभग आपको 80 शब्दों में लिखना होगा। ऐसे खा रहेगा हमारा कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का जीवन परिचय रहेगा, जो कि हिंदी गद्य के जो लेखक हैं, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सबका जीवन परिचय आएगा। खा देखिए पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय, यानी कि अगर लेखकों का जीवन परिचय रहेगा तो कवि कभी रहेगा, ठीक है, इसमें शब्द सीमा 80 रहेगा, ये भी 5 नंबर के रहेंगे, यानी कि जीवन परिचय के लिए टोटल आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 5 नंबर आपके हिंदी गद्य के जो लेखक हैं उनका साहित्यिक परिचय और 5 नंबर आपको कवियों का साहित्यिक परिचय, ठीक है, ये हो गए। आगे देखिए नंबरिंग में देखते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, शब्द सीमा 80, यानी कि जो आपका पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी है, ये लगभग हमेशा आता है। देखिए जीवन परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जीवन परिचय जरूर याद कर लीजिएगा। कवि में आपके जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका जीवन परिचय याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 नंबर फ्री के रखे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कहानी है हमारा बहादुर कहानी, पंचलाइट कहानी, अगर इसका सारांश और उद्देश्य आपने पढ़ लिया या तो 5 नंबर इसका भी क्लियर रहता है, कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण 80 शब्द में, यानी कि आपके जिले में जो खंड काव्य है, जैसे हमारे यहां त्यागपथी है, ठीक है, तो हम त्यागपथी पढ़ेंगे, तो एक खंड काव्य पढ़ना होगा, इसके लिए 5 नंबर, इसका भी नंबर फिक्स रहता है, यानी कि जो ये नंबर होते हैं 10, 5, 15, 5, 20, वो इसमें एकदम फिक्स रहते हैं, ठीक है, वो आपको फ्री में मिल जाते हैं। खंड का हमारा फिनिश हो चुका है, 50 नंबर का पेपर हमने देख लिया। अब आते हैं खंड खा में, इसमें संस्कृत और व्याकरण रहेगा। देखिए पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ हिंदी में अनुवाद, यानी कि आपको संस्कृत के चैप्टर का, ये भी 50 नंबर का रहेगा खंड का, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, देखिए जो संस्कृत आपका है, ठीक है, इससे एक पद्यांश दे दिया जाएगा, उसका अर्थ आपको लिखना होगा, इसके लिए 7 नंबर
मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही खा है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अब पद्यांश मिलेगा, यानी कि संस्कृत पद्य जो श्लोक है इसमें देखिए सुभाषित रत्नानी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा चैप्टर? सुभाषित रत्नानी। ठीक है, ये चैप्टर अगर आपने इन चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं उसको पढ़ लिया तो 7 नंबर आपके इसके क्लियर रहते हैं। गद्यांश में पूछेंगे कौन सा चैप्टर, तो इसमें देखिए पंचशील सिद्धांत, महामना मालवीय, संस्कृत भाषा एवं महत्वम, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 नंबर देखिए अब हिंदी व्याकरण आता है, लोकोक्ति एवं मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर से की आपकी रहेंगी। ठीक है, अभी चैप्टर भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 10 का रहेगा संधि विच्छेद, आपका रहेगा 3 नंबर का रहेगा, 3 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद विभक्ति और वचन रहेगा 2 नंबर का रहेगा। ठीक, विभक्ति और वचन में जैसे आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित, इन सबका याद रखना है। ठीक, उसके बाद में 11 नंबर हमारा है शब्दों में सूक्ष्म अंतर रहेगा 2 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में क्या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर का ये रहेगा। ठीक, वाक्यों में त्रुटि मार्जन यानी कि गलतियां, वाक्य संशोधन 2 नंबर का रहेगा। इसके बाद में रस रहेगा हमारा जिसमें श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस, ये 2 नंबर का रहेगा। अलंकार रहेगा यमक, श्लेष, ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा 2 नंबर का। ठीक है, तो रस छंद और छंद रहेगा चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां 2 नंबर का, यानी कि रस छंद अलंकार के जो 6 नंबर हैं ये भी एकदम क्लियर होते हैं। अगर आपने रस छंद अलंकार पूरा पढ़ लिया तो भैया 6 नंबर आपके रखे रखे हैं। ठीक है, ये 6 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, तो ये बात ध्यान रखिएगा, रस छंद अलंकार आपको पढ़कर जाना है। ठीक, और मैंने फुल तीनों एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, आप सर्च करेंगे आ जाएगा रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर है पत्र लेखन, पत्र लेखन में 6 नंबर का आपका ये रहेगा। ठीक है, पत्र कैसे लिखते हैं तरीका समझ जाइए, बाकी टॉपिक देखिए एग्जामिनर बदल बदल के टॉपिक देते हैं, जैसे इस साल दूसरा आ गया नेक्स्ट ईयर दूसरा आ जाएगा, तो इसमें हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट हाँ लिखने का तरीका पता है तो कोई भी आएगा आप लिख लेंगे। 2-3 प्रकार के पत्र आते हैं, जैसे आवेदन पत्र, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो पत्र कुछ इस प्रकार से रहेंगे। निबंध में आते हैं, निबंध आपका विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, राजनीतिक पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित निबंध रहेंगे 9 नंबर के। तो यहाँ पर टोटल 100 मार्क का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया मैं मॉडल पेपर पर वीडियो बनाऊँ तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, उस पर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे क्या क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, अब देखिए जान लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या रहेगा, जो पाठ्य वस्तु है, देखिए ये पाठ्य वस्तु, तो देखिए सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा, जो हमारे सामान्य हिंदी वाले बच्चे हैं वो इन सब पाठों का अध्ययन करेंगे। गद्य में देखिए गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, इधर पुस्तक का नाम है, इधर लेखक का नाम, इधर पाठ का नाम। ठीक है, तो गद्य में जो निर्धारित पाठ्य वस्तु है इसमें 6 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर रहेगा वासुदेव शरण अग्रवाल का, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, तो पहला चैप्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का रहेगा, जिसका चैप्टर का नाम होगा राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिसका नाम रहेगा अशोक के फूल। तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, जिसका नाम रहेगा भाषा और आधुनिकता। चौथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, इसका नाम रहेगा तेजस्वी मन के संपादित अंश। पाँचवा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। और छठा है हरिशंकर परसाई का, निंदा रस। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर हमारे अंतर्गत दिए गए हैं गद्य में, तो ये 6 चैप्टर आपको पढ़ने रहेंगे। ठीक, लेखक का नाम सब कुछ दिया गया है। अब आते हैं काव्य पर। ठीक है, काव्य में क्या क्या रहेगा देखिए, काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का पवन दूतिका रहेगा। ठीक है, जो काव्य है, मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप और गीत रहेगा, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु गीत रहेगा। चैप्टर का नाम है ये कवि का नाम है, ये कवि का नाम है, चैप्टर का नाम। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी का नौका विहार, बापू के प्रति परिवर्तन ये रहेगा। महादेवी वर्मा जी का गीत रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य, पूर्वा उर्वशी रहेगा। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय जी का मैंने आहुत बनकर देखा ये, और हिरोशिमा। ठीक है, ये रहेगा। तो टोटल 7 चैप्टर हमारे काव्य में रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कथा साहित्य, जो आपका कहानी है इसमें देखिए जैनेन्द्र कुमार का ध्रुव यात्रा रहेगा। वैसे जो साइंस साइड वाले हमारे स्टूडेंट हैं उनको पंचलाइट और बहादुर मेनली पढ़ना है। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की पंचलाइट रहेगी, शिवानी की लाठी रहेगी, और अमरकांत का बहादुर रहेगा। तो कहानी में हमें ये 4 कहानियाँ पढ़नी होती हैं, जिसमें 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं साइंस साइड वालों के लिए, पंचलाइट, बहादुर। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर हम खंड काव्य कौन सा पढ़ें। मैंने आपको बताया था कि खंड काव्य पूछा जाता है, देखिए ऊपर यहाँ पर ये देखिए
पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य होगा, क्योंकि हो सकता है दो चार जिले में अलग हो, किसी में अलग हो, ठीक है। तो देखिए, मुक्त यज्ञ रहेगा, लेखक का नाम है श्री सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है। ये रहेगा किस किस जिले में, देखिए कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, ठीक। ऐसे सत्य की जीत किस में रहेगा, आप अपना जिला यहाँ पर चुन लीजिएगा, ठीक है। लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, तो ये रहेगा आपका सत्य की जीत। देखिए जो आगे लिखा, जैसे मुक्ति यज्ञ है तो ये इन सब जिलों में रहेगा, सत्य की जीत इसमें रहेगा, ठीक है। आते हैं रश्मि रथी पर, रश्मि रथी कहाँ कहाँ रहेगा, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, ठीक है। फिर आलोक वृत्त कहाँ कहाँ रहेगा, प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर। और त्यागपत्थी कहाँ रहेगा, जो कि हमारे में है, हमारे इधर, ठीक है, गोंडा से हूँ मैं, तो आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, ठीक है, गोंडा में भी रहेगा क्योंकि मैं गोंडा से हूँ भैया, तो गोंडा में तो त्यागपत्थी है, ठीक है। शाहजहाँपुर, बारामंकी। सिक्स नंबर है श्रवण कुमार, ये रहेगा मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, ये सब रहेगा श्रवण कुमार। तो अपने अपने जिलों का यहाँ पर नाम देख लीजिएगा, जो जिस जिले से हैं उनको आगे यही पढ़ना है, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे क्या, संस्कृत के लिए क्या क्या चैप्टर निर्धारित किए गए हैं, देखिए इसके अतिरिक्त अन्य जिलों, नवसृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व की भांति यथावस्थ पढ़ाए जाएंगे। अब देखिए खंड काव्य में संस्कृत जो है, ठीक है, इसमें आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट है भोजस्योदार्यम, सेकंड आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, थर्ड है संस्कृत भाषा या महत्वम, फोर्थ है जातक कथा, फाइव है सुभाषित रत्नानी, सिक्स है महामना मालवीय, 7 है पंचशील सिद्धांता, और ये 7 चैप्टर आपको टोटल संस्कृत में पढ़ने होंगे, ठीक है, समझ में आ जा। बस हमारा ये जो पूरा सिलेबस है, यानी कि जो हमारा हिंदी का 100 नंबर का पेपर है भैया, ठीक है, ये वो यहीं पर फिनिश होता है। पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया, गद्य पद्य संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ना है सब कुछ मैंने बता दिया। तो ये था आपके 12th हिंदी का एक पूरा सिलेबस की कैसे आपको क्या पढ़ना है, कितने नंबर का क्या आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरा पेपर दिखाऊं भैया, तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, जितना लाइक आएगा उतनी जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।